माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है कौन सी तारीख है परी आज? हाँ, आज है तारीख 10 तारीख है। और का ये मैं है ना फर्स्ट ब्लॉग इस मतलब 2023 में ये मेरा घर का फर्स्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अभी बज चुके हैं, 1 बज चुका है, हमारा लंच रेडी हो गया है, अब हम करने जाएंगे। अभी किया नहीं है ना, मतलब सब काम वाम हो गए और ठंड तो ऐसी है कि क्या बताए आपको। तो अभी मैं है ना स्वेटर थोड़ा सुखाने डाल दी, गर्म गर्म रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और खाना भी बन गया है। मटर की सब्ज़ी बनाई है, सिंपल सी मटर गोभी की वो काय में कुकर में। तो जल्दी जल्दी है ना मुझे ये नहीं आती तो और थोड़ा गला मेरा ठंडी में मेरा शायद गला ख़राब ही हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी थोड़ी देर एक दिन के बाद। तो ऐसा ही है, तो बस यही कुछ है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आपके साथ। और कुछ भी नहीं, मतलब रोटी बनाइए, चावल बनाए अभी गर्म गर्म। हम क्या करते हैं लंच है ना गर्म गर्म ही खाते हैं। और ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था और घूमने साची का वीडियो डाला। गाइज आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग क्यों नहीं करते सपोर्ट? लगता है YT तो मेरा दुश्मन ही है, मेरे वॉच टाइम करता जा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है या फिर कुछ क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सब्सक्राइब बढ़ते कम हो जाते ये मुझे, तो मैं ये इसलिए मैं यूट्यूब बना रही हूँ। अभी मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मेरी मेमोरी इसमें सेव हो जाएगी इसलिए। तो बाकी कुछ ऐसा इंटरेस्ट से नहीं डालती हूँ। तो चलो फर्स्ट व्लॉग में 2023 का ये है, तो आफ्टरनून से स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं अभी क्या क्या ये उस दिन बनाया था। लेकिन मेरे ये मोबाइल है ना, एक ही मोबाइल है, बच्ची भी पढ़ाई करती है इसमें सब करते, तो इसमें क्या होता है स्टोरेज बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं कुछ कुछ डिलीट कर दिया था। तो चलो अब हम जा रहे हैं लंच करने। हो गया लंच? तो डिंकी ला रही है, बच्चे घर में है ना, यहाँ पे अंधेरा इस क्योंकि अंधेरा ही अच्छा लगता है। और परी इसको लगता है ठंड नहीं लगती है ना परी? हाँ, वो स्वेटर का थोड़ा सा दाग रहे तो पहनती नहीं है, क्या करे लड़की का। अभी परसों के दिन मैंने उसकी जैकेट धो दी, रोज रोज जैकेट धोना अच्छी बात नहीं है ना। तो वो बोल रही कि अभी बिल्कुल ठंड रहे, अब बीमार पड़ेगी, अब पेपर के दिन आ रहे हैं तो फिर देखिए। और कल से इनको स्कूल जाना है परी को, और डिंकी की तो है लेकिन वो गई नहीं, उसका है ना थोड़ा सा मतलब सर घूम रहा था सुबह, उसकी नींद नहीं होती या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, उसका सर दुखता है। तो इसलिए अब हम कर रहे हैं लंच। तो देखिए मैं है ना मेथी की भाजी तोड़ने बैठी हूँ। अभी मैं बाहर गई थी, वहाँ से आई और डिंकी गई है उसके पापा के साथ तिल लाने, तिल्ली और क्या मूँगफली, हम लोग मूँगफली के ज़्यादा दाने खाते हैं ना, लड्डू, तो मूँगफली के लड्डू खाते हैं। और तिल्ली के बच्चों को पसंद नहीं तो तिल्ली लाने और गुड़ वगैरह लाने, क्योंकि कल से बनाऊंगी तो गए लाने। और मैं सोच रही चलो तब तक मेथी की भाजी कर लूँ, दाल अभी डिनर में दाल पालक बनाएंगे और ये मेथी की भाजी कल बना लूँगी। तो ये संडे को ले आई थी, मैंने कहा सोच पिछली बार है ना बीमार हो गई ना, 4 गड्ढे लाई थी पूरी ख़राब हो गई, तो मैंने ऊपर सुखाने के लिए रखी थी। और ये देखिए इस बार एक ही लाई, मैंने कहा जल्दी से तोड़ के रख देती हूँ नहीं तो क्या है ख़राब हो जाएगी। वो डंठल पे तोड़ना थोड़ा सा, और ना मेथी के पराठे खा सके ना कुछ पिछले हफ्ते, क्योंकि 15 दिन से मैं आपको बता था मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ, फिर आपको मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पे ये डिंकी जा रही थी स्कूल, तो ये दूध पी रहे रेडी हो गई थी। और इसके लिए ना मैंने न्यू कैप ले आई थी, तो इसको ब्लू चाहिए थी लेकिन ये ऑरेंज वाली, तो उनको लगा कि चलता है कौन। तो यहाँ पे है ना ये देखो ये फिर वो चली गई थी स्कूल, फिर मैं यहाँ पे पानी हम गरम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज बहुत बड़ा बैंगन ले आए थे संडे की थी मार्केट से, तो हमको दाल बाटी बनानी थी लेकिन बाटी बना ही नहीं पाई क्योंकि हमारे पास कंडे नहीं थे। तो यहाँ पे मैं सोची कि ये बैंगन डाल दिया है अच्छे से भूनने के लिए, क्योंकि चूल्हे का जो बैंगन रहता है ना बहुत अच्छा रहता है। और यही बैठ के मैं फिर है ना इसका कचरा जो ऊपर का छिलका रहता है ना वो छिल रही हूँ। तो मैं बाहर थोड़ी धूप भी सेक रही थी क्योंकि आज धूप बहुत कड़क थी,
और मैंने पीछे चूल्हे की राख है ना निकाल के रख दी थी, क्योंकि वो पेड़ पौधों को डालनी है, तो मैं सोची यहीं पे कर लूँ, क्योंकि धूप बहुत लग रही थी तो मैं इधर मुकर के बैठी थी, और नल वगैरह चला गया था, डिंकी परी भी स्कूल चली गई थी, तो ये 10-11 बजे का मैंने कहा ये चूल्हे का काम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चूल्हे का काम कर लेते हैं, और फिर यही इन्होंने बोला कि आज है ना चूल्हे पे ही भरता बनेगा, ये घर में थे तो चूल्हे पे, और ये चाय पीते जा रहे हैं और भरता बनाते जा रहे हैं, क्योंकि चूल्हे से है ना मेरे से काम नहीं होता है, बहुत धूप आ जाती, बहुत तो वो धुआँ है ना आग पे उड़ जाती है, और ये कढ़ाई तो हम चूल्हे के लिए स्पेशल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि काली भी नहीं होगी, और मैं इनको मना कर रही थी कि मैं गैस पर बना नहीं, बोली ये चूल्हे पर बनाऊँगी, तो ये देखिए बनाते जा रहे हैं और चाय भी पीते जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने चूल्हे पर भरता बनाया और बहुत मज़ा आ गया। उसके बाद एडिंग की परी स्कूल से आ गई थी, तो यहाँ पे वो मस्ती कर रही थी, और फिर गर्मा गर्म खाना बना के, मतलब रोटी हम लोगों ने, इसके पापा ने उसको गर्म गर्म रोटी बना के दी, और मैंने वीडियो बना लिया। तो ये लोग देखिए भरता खा रहे दाल चावल, और ये बोल रहे बाटी क्यों नहीं बनाए, तो हमने उनको बताया कि बाटी में, बाटी के लिए कंडे नहीं थे। तो बस यही कुछ अब मेरा 2023 का फर्स्ट व्लॉग है, तो आपके साथ शेयर कर लिया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और डिंकी भी अपना गर्म गर्म खाना लेके आई, और कुछ ही शायद बाहर रख के आने वाली है, तो वो पलंग पे बैठती है और डिंकी परी नीचे बैठी है। अभी हम लोगों ने बैंगन का भरता बनाया था और आपको दिखाया भी था, तो बहुत टेस्टी बना बैंगन का भरता। और अभी लंच हमने कर लिए, और धूप बहुत है, बाहर धूप में बैठो तो चेहरा काला होता है, मेरी झैया और तेज हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे डिंक अपना चेंज कर रही है, अभी चेंज किए हैं, हाँ, और अभी स्कूल से आ गई है डिंकी परी, और क्या बोलते हैं, अब गरम गरम खाना खाने बैठेगी, उधर लड़ाई चालू हो गई। तो बस यही कुछ छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर किया है मैंने, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ये फर्स्ट 2023 का मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर देती हूँ, और खाना खा लो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चलो आ जाओ खाना खा लो।